छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में लिट्टीपाड़ा ग्राम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगभग 350 ग्रामीणों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्दी खांसी बुखार चर्म रोग सहित अन्य बीमारियों के लिए निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया, जिसका 80% ग्रामीणों ने लाभ उठाया। आदिवासी बालक व बालिकाओं द्वारा नृत्य व गीत गायन कर स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि CRPF कमांडेंट देवेंद्रनाथ यादव एक्शन के तहत CRPF जवानों में C/65 बटालियन कंपनी कमांडर टी हॉकी व A/65 बटालियन कंपनी कमांडर अंकित कुमार व DC संतोष सिंह चौहान एवं गरियाबंद पुलिस अधीक्षक MR अहिरे मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने बच्चों को कपड़े, महिलाओं को साड़ी, ठंड से बचाव हेतु कंबल, पुरुषों को कृषि सामग्री, दवाई छिड़काव यंत्र, खेत कार्य हेतु फावड़े एवं प्लास्टिक टब, लुंगी, बच्चों को खेल सामग्री वितरण किया। समस्त ग्रामीणों को दैनिक उपयोग हेतु उचित सामग्री वितरण किए गए, जिसमें लगभग 350 ग्रामीणों ने भागीदारी ली, जिसमें ग्राम लिट्टीपाड़ा, दांतबाय, गोडलबाय, डमरूबाहरा, कोदोपाली के ग्राम मौजूद थे। ग्रामीणों को बताया कि इस शिविर का मकसद आम जनता को पुलिस के साथ जोड़ने व मित्रता स्थापित करना है, ताकि लोगों के मन में पुलिस के नाम का जो गलत प्रकार का डर बैठा हुआ है वह दूर हो सके। इस आयोजन में CRPF जवानों का सराहनीय योगदान रहा, जिसमें ग्रामीणों ने भी प्रशंसा की। बड़े बुजुर्ग, महिला व पुरुष सब ने CRPF के इस कार्यक्रम पर अपनी खुशी जाहिर की, जिसमें सरपंच महेश मरकाम, ग्राम पटेल सदाराम एवं पंच बलराम ठाकुर व शिक्षक घनश्याम देवांगन, रमेश ठाकुर, LR ध्रुव भी उपस्थित रहे। CRPF 65वीं बटालियन कमांडेंट ने कहा कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और जनता से संबंध बनाए रखने का अपील भी किए, जिससे इस इलाके को नक्सल मुक्त किया जा सके और अनमोल समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता को हम ये बता पाए कि फोर्स जो है उनकी मदद के लिए है, उनके क्षेत्र का विकास हो, किसी तरह का माहौल, डर का माहौल न हो बने, और वो अपने प्रशासन को और शासन को वो अपना हितैषी समझे, इस संदेश को देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं। धन्यवाद सर। आपका शुभ है सर। जी, दोनों का प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है। हाँ, ये कार्यक्रम हर साल जो है होता है और वृहद स्तर पे इस तरह से होता है। इसके अलावा भी हम पूरे साल भर जिस तरह की भी क्षेत्र में जरूरत होती है, जिस तरह की भी मदद होती है, की जरूरत होती है, हम करते रहते हैं। जैसे खेती के समय किसी को स्प्रेयर या बीज की जरूरत है, उस तरह की मदद। स्कूल खुलते हैं उस समय किसी को बैग, कापी किताब और इस तरह की स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो वो करते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे कैंप में दवाइयाँ रहती हैं, किसी को छोटे मोटे इलाज की जरूरत है तो उसकी भी मदद करते हैं।